नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के तहसील फतेहाबाद के गांव जगराचपुर में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। फतेहाबाद के ग्राम जगराचपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, जिला महासचिव तेजपाल यादव, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राठौर, विधानसभा अध्यक्ष सौरभ शर्मा, नगर अध्यक्ष असलम खान, अभिषेक जाधौन, मंडल महासचिव अखिलेश यादव, यूथ ब्रिगेड एवं बाली सिंह सभी का स्वाफा पहनाकर स्वागत। जिलाध्यक्ष ने कहा, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। जिन किसानों पर केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार हो रहे हैं, उनके हित की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी, काम करेगी। इसी दौरान के यादव, अरविंद यादव, सुनील शर्मा, प्रवेश नेताजी, हिमांशु रावत, हरदीप यादव, अरविंद यादव, रामलखन यादव भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आगरा से हमारे सहयोगी दुष्यंत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर किसान, नौजवान, युवा, गरीब इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है और सभी लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि किस समय चुनाव हो जाए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को चुने। इस हत्यारी सरकार से जल्द से जल्द निजात चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों पर उत्पीड़न कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है, नौजवानों पर उत्पीड़न कर रही है, इससे निजात चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ खड़ा हुआ है। और हम लोग किसानों की लड़ाई रोड पर उतर कर लड़ रहे हैं और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम इस अत्याचारी सरकार को चैन से शासन नहीं चला।